नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नरगिस और राज कपूर का है। जब अलग होने के बाद राज कपूर ने नरगिस पर धोखा देने का आरोप लगाया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर दो सितारों के बीच गहरे प्यार का जिक्र होता है तो उसमें सबसे पहला नाम राज कपूर और नरगिस का ही आता है। लेकिन इस प्यार में भी कई छेद हैं। राज कपूर और नरगिस की इस प्रेम कहानी में धोखे का अंश भी था। जी, धोखा। राज कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। राज कपूर ने सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां यानी कि नरगिस पर धोखा देने का आरोप लगाया था। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इसी धोखे का किस्सा सुनाएंगे। बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार का तमगा जिस एक्ट्रेस को हासिल हुआ उनका नाम नरगिस है। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। नरगिस की मां जद्दनबाई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और वो इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत डायरेक्टर थी। नरगिस ने महज 6 साल की उम्र में ही तलाशे हक से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। नरगिस की फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ी ऑन स्क्रीन राज कपूर के साथ हिट थी। साथ काम करते हुए राज कपूर और नरगिस एक दूसरे के करीब आ गए थे। राज कपूर के प्यार के बारे में उनकी पत्नी ही नहीं पूरी इंडस्ट्री भी जानती थी। लेकिन राज कपूर ने नरगिस पर धोखा देने का आरोप लगाया था। साल 1974 में पत्रकार सुरेश कोहली को दिए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा था कि नरगिस उनसे बातें छिपाने लगी थी। राज कपूर ने कहा था कि नरगिस ने उन्हें देखते ही एक कागज का टुकड़ा फाड़कर फेंक दिया था। नरगिस राज कपूर के साथ एक पार्टी में जाने वाली थी और फिर राज के साथ कार में बैठ गई तो राज कपूर ने नरगिस से कहा कि वो अपना रुमाल लेने जा रहे हैं। जब वो कमरे में पहुंचे तो नौकरानी कागज के टुकड़े को डस्टबिन में डाल चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये टुकड़े इकट्ठा किए, बाद में जोड़कर इसे एक आकार दिया और देखा। राज कपूर ने बताया कि उस कागज में किसी निर्देशक का नरगिस से शादी के लिए प्रस्ताव था। साल 1980 में राज कपूर ने पत्रकार सुरेश कोहली को बताया था कि नरगिस ने दूसरी बार भी उन्हें धोखा दिया था। राज कपूर ने बताया था कि मदर इंडिया पहले वो बनाने वाले थे। राजेंद्र बेदी से वो स्क्रिप्ट लेकर आया और नरगिस को सुनाया था। तब नरगिस ने ये कहते हुए इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था कि बूढ़ी औरत का किरदार करने से उनकी इमेज खराब होगी। राज कपूर ने यह भी बताया कि अगले दिन नरगिस ने बिना बताए मदर इंडिया साइन कर ली थी और चुपचाप कोल्हापुर चली गई जहां मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। राज कपूर ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में नरगिस से पूछा तो नरगिस ने कहा था कि उन्हें पता नहीं था कि कहानी क्या थी और फिल्म मदर इंडिया क्या थी। आपको बता दें कि नरगिस का अफेयर सुनील दत्त से मदर इंडिया के दौरान ही हुआ था। राज कपूर ने इंटरव्यू में बताया था कि मदर इंडिया पर वो पहले फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन नरगिस ने फिल्म को करने से ही मना कर दिया और उन्होंने फिल्म ड्रॉप कर दी। लेकिन नरगिस ने उन्हें धोखा दिया। धोखा, ये धोखा ब्रेकअप के बाद हुआ था। ब्रेकअप के बाद अक्सर ऐसा होता है, दो में से कोई एक धोखे का शिकार होता है या फिर आरोप लगाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।